एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो बिग बैश लीग T20 का आज के दिन का यहाँ पर मैच होगा, जो खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करें इस मैच के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मैच में आपको मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा अच्छे से वॉच कीजिएगा। ये मैच जो है 1:45 पर स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा SCG यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि होम ग्राउंड रहने वाला है सिडनी सिक्सर्स की टीम का। ये जो विकेट है बैटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पिनर्स को मदद रहती है। एवरेज स्कोर 150-170 बनता है। दो मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, एक जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, एक मैच हेज हुआ है। पहली पारी में फास्ट को 8 विकेट है, स्पिनर्स को 2 विकेट है। दूसरी पारी में फास्ट को 7 विकेट है, स्पिनर्स को 3 विकेट है। इन दोनों टीमों के बीच में 15 मैचेस हुए हैं। सिक्सर्स की टीम ने 10 जीते हैं, रेनेगेड्स की टीम ने 5 मैच यहाँ पर जीते हैं। पहले बात करूँगा मेलबर्न रेनेगेड की टीम की। मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम 4 में से 3 मुकाबले जीती और 1 मुकाबला हारी है। अब देखो बड़े चेंज क्या हैं, तो आज आपको सेम हार पर नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मार्टिन गप्टिल ओपन करेंगे निक मेडिसन के साथ में, और मार्टिन गप्टिल का यह पहला मैच होगा इस सीजन का। T20 करियर में 303 मैच में 8,569 रन 31 का एवरेज है। सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ एकमात्र मैच खेले हैं, उसमें 20 रन है और रिसेंट फॉर्म 20-15-34-26 है, ठीक ठाक सा फॉर्म है इनका। निक मेडिसन आएंगे यहाँ से टीम के कप्तान। पहले मैच में अच्छी नोक हैं, दूसरे में भी अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद में 2 मैच में फ्लॉप थे। हेड टू हेड में 6 मैच में 76 रन 1 विकेट है। लास्ट सीजन 9 मैच में 128 6 विकेट है। शॉन मार्स एक और बड़ा प्लेयर जो कि आज आपको खेलता नजर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन आने चाहिए। लास्ट सीजन 7 मैच में 202 थे, हेड टू हेड में 9 मैच में 347 हैं, रिसेंट फॉर्म 8-39-7-51-19 हैं, ठीक ठाक फॉर्म है। फिंच आएंगे यहाँ से, लास्ट सीजन 11 मैच में 386 रन थे, हेड टू हेड में 12 मैच में 382 रन है। रिसेंट फॉर्म नहीं अब तक क्या किया है, 4 हैं, 70 नॉट आउट हैं, 31 नॉट आउट हैं, 13 हैं। फिर आएंगे यहाँ से पीटर हैंडसकम, जो कि क्योंकि सेम हार पर नहीं खेल रहे हैं तो ये आपको विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। लास्ट सीजन 14 मैच में 206 रन 20 का एवरेज है, हेड टू हेड में 11 मैच में 271 रन है। रिसेंट फॉर्म 30-29-6 हैं। जोनाथन वेल्स का यह सीज़न बहुत गंदा जा रहा है, 1-12-0-26 हैं, बैटिंग भी नीचे ही कर रहे हैं। हालांकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड शानदार है, 15 में 409 रन, तो GL में पिक कर सकते हो। अखिल हुसैन मस्ट पिक रहेंगे, 4 मैचेस में 10 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बल्ले से भी 1-13-30-11 हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। विल सदरलैंड है, इनको आज ना ज़्यादा बॉलिंग यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि आज इनके पास 5 ही बॉलर मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे, तो आज विल सदरलैंड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब तक तो इनको 2 1 ओवर, फिर 2 ओवर, फिर यहाँ पर बॉलिंग ही नहीं मिली, और बल्ले से 1-1-6-40 हैं। हेड टू हेड में 5 मिनट में 14-3 विकेट हैं। टॉम रोजर्स अगर पहले बॉलिंग करती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ में आते हैं। 4 मैचेस में इनके नाम यहाँ पर 8 विकेट्स हैं, हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट हैं। मुजीब आज इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर स्पिन मिलता है विकेट पर तो भाई बहुत तगड़ा बॉलर है। 4 मैच में 3 विकेट हैं, हेड टू हेड में 6 मैच में 6 विकेट हैं। केन रिचर्डसन भी आज का मैच यहाँ पर खेलेंगे, इससे पहले 3 मैच में 1 विकेट है, हेड टू हेड में 16 मैच में 15 विकेट है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ मार्टिन गप्टिल, शॉन मार्श, एरन फिंच को रख रहा हूँ, नीचे से मैं अखिल हुसैन को रख रहा हूँ, टॉम रोजर्स को रख रहा हूँ, मुजीब को रख रहा हूँ। आप चाहो तो मुजीब की जगह आप रिचर्डसन के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं अभी मुजीब को रख रहा हूँ। इनके अलावा बेंच पर हैं डेविड मूडी, मैकेंजी हार्वे और कोरी यहाँ से रोची कोहली, इनमें से कोई भी खेलेगा तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर दूसरी टीम यानी कि सिडनी सिक्सर्स की टीम की, तो इनकी टीम 4 में से 2 मैच जीती हैं, 2 मैच हारी हैं। ओपन करेंगे जोस फिलिपे और कर्टिस पेटरसन। जोस फिलिपे ने एक बड़ी नोक खेली थी 43 की, उसके अलावा 26-6-1 उतना खास सीजन नहीं रहा है। हेड टू हेड में 9 मैच में 329 है। कर्टिस पेटरसन बाई हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, 9-3-38-24 है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 3 मैच में सिर्फ 3 रन है इसके, हेड टू हेड में बहुत गंदा रिकॉर्ड है। लास्ट सीजन 14 मैच में 391 थे। जेम्स विंस 0-19 नॉट आउट 33 हैं, हेड टू हेड में 8 मैच में 128 रन है। फिर आएंगे ऐसे मोइजेस हेंड्रिक्स, पहले मैच में 24, फिर 0, फिर 0, फिर 52 नॉट आउट हैं, हेड टू हेड में 13 मैच में 326-29 का एवरेज, 4 विकेट हैं। जॉर्डन सिल्क 36-41-0-30 नॉट आउट हैं, बढ़िया प्लेयर हैं ये और बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहा है भाई, 13 मैच में 217 हैं हेड टू हेड में। डैन क्रिश्चियन आएंगे यहाँ पर, ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा,
चार मैचेस में एक विकेट है, बल्ले से 13-1-0 है। हेड टू हेड में 12 मैच में 169, 8 विकेट है। हैडन कर की बात करूँ तो चार मैचेस में इसके नाम 5 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 13-42-32 हैं। हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है और लास्ट सीजन भी 17 मैच में 152-25 विकेट थे। बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। सीन एबर्ट के नाम चार मैचेस में यहाँ पर देख सकते हो 7 विकेट है, हेड टू हेड में 11 मैच में 13 विकेट है। स्टीव ओकीफ के नाम यहाँ पर 3 मैचेस खेला है, उसमें 3 विकेट है, हेड टू हेड में 10 मैच में 10 विकेट है, तो इस ग्राउंड पर अच्छा भी साबित हो सकता है। जैक्सन बर्ड के नाम 2 मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड में 12 मैच में 20 विकेट है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड इसका कुछ ज़्यादा ही शानदार है। आई नवीद है 2 विकेट और लास्ट मैच में विकेट लेस था। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करके चल रहा हूँ, देखो मैं रख रहा हूँ जोस फिलिपे, मोइसेस हेंड्रिक्स, इसके अलावा मैं हेडन कर, सीन एबर्ट और नीचे से इज़रा उल्लुक नवीद को रख रहा हूँ। इसके अलावा बेंच पर जो इनके प्लेयर हैं स्क्वाड में वो हैं नवीन उलक हैं, टॉड मुर्फी हैं, बेंडो ऑर्सिस हैं, जैक एडवर्ड्स हैं, डेनियल हक्स हैं, इनमें से कोई भी खेलेगा स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे स्टीव ओकीफ, जैक्सन बर्ड और सीन एबर्ट, डेथ के ओवर डालेंगे हेडन कर, सीन एबर्ट, जैक्सन बर्ड। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ मैं यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा हुआ है जोस फिलिपे को, बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा है मोइसेस हेनरिक, शॉन मास, एरन फिंच, मार्टिन गप्टिल, ऑलराउंडर सेक्शन से हेडन कर, सीन एबर्ट को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से आई नवीद, मुजीबुर रहमान, टॉम रोजर्स और अखिल हुसैन को रखा है। कैप्टन में रिस्की ले रहा हूँ थोड़ा सा, अखिल हुसैन को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन हेडन कर है। आप चाहो तो सीन एबर्ट को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम यही है। इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।